बाबा किचन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मलाई कोफ्ते, वो भी मेरी स्टाइल में। चलें हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम है, ये मैंने तकरीबन 2 आवर्स पहले पानी में सोख करके रखे हुए थे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे गर्म पानी में डालूंगी और थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लूँगी। मेरे को ये एक अच्छा सा पेस्ट चाहिए इसका अपने सालनों के लिए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चिकन की बोटियाँ हैं। ठीक है, मैं इसको कीमे में कन्वर्ट करती हूँ, मैं इसका कीमा बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास मैंने इस तरीके से कट करके रखी है ऑनियन, ये 2 कप ऑनियन है। इसको मैं पेस्ट बनाती हूँ, मतलब थोड़ा सा चॉप करना है, फाइन चॉप करना है। और यहाँ पे मेरे पास हमें कोफ्तों में मिलाने के लिए मैंने अदरक बनाई हुई है, ये तकरीबन 1/2 इंच का टुकड़ा था, मैंने इस तरीके से किया हुआ है। लहसुन है मेरे पास 4 1/2, मैंने हरी मिर्च काटी हुई है 2, मैंने यहाँ पे प्याज काटी हुई है इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 बंच धनिया रखा हुआ है। इन सबको भी चॉप करेंगे। यहाँ पे हम 3 चीज़ों को चॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी ऑनियन डन हो गई, ये देखिए हमारा हरा मसाला डन हो गया, देखिए हमारा कीमा डन हो गया। हम इसको बॉल में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई, हमारा कीमा भी, हमारा ये मसाला भी, ग्रीन मसाला चॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना ग्रीन मसाला इसके अंदर मिलाएंगे। यहाँ पे लहसुन का है मेरे पास पेस्ट, 1 टीस्पून डाल देंगे इस टाइम पे इस पे। ये मेरे पास जिंजर का पेस्ट है, ये डाल देते हैं 1 टीस्पून ही। लेमन डालेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा सा बनाएंगे, यम्मी सा। शाही बना रहे हैं तो फिर चीज़ें भी शाही वाली डालनी चाहिए ना। हमारा लेमन चला गया। अब यहाँ पे इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे जो आपको बता देते हैं। मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने पैन के अंदर ऑयल डाला है और मैं अपने कोफ्तों को फ्राई करूँगी। ठीक है, हल्का सा अपना हाथ गीला कर लेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। जितने भी साइज़ के हमको चाहिए हम उतने साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एग है, मैंने एग फेंट के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल एग का ऐसे हाथ लेंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे अपने कोफ्तों के ऊपर, और हम इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते यहाँ पे कितने मज़े से बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं और अब टूट भी नहीं रहे। हम बिना डरे इसको टच कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये बिल्कुल डन हो गए हैं। अब हम इनको अपनी एक और प्लेट्स में निकाल लेते हैं। मैं से थोड़ा सा अपना ऑयल कम करती हूँ और इसी ऑयल में मैं अपनी ऑनियन को फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा अपना ऑयल कम कर लिया, अब मैं अपनी ऑनियन को इसमें फ्राई करूँगी। ऑनियन को हम फुली कुक करेंगे, ओके, इसको बहुत ही अच्छा गोल्डन करेंगे। अगर हमारी ऑनियन इसमें कच्ची रह गई तो ये फिर मसाला हमारा अच्छा नहीं बनेगा, उसमें सारी ऑनियन नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मेरी प्याज बहुत ही अच्छे से डन हो गई है, देखें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो मैं बता देती हूँ आपको क्या है। ये 1 टेबल स्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है, 2 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून क्रश लाल चिल्ली है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम अपने सारे मसालों को इसमें डालेंगे। स्टोव बिल्कुल स्लो कर लेते हैं अपना पैन और इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और बहुत ही अच्छा सा इसको रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1-1 टेबल स्पून वाटर डालती हूँ
और इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा नीचे चिपकने लगेगा मसाला तो हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट है, 1/2 कप योगर्ट है और ये मेरे पास बादाम है। मैंने इस तरीके से इनको बॉईल कर लिए और इसका पानी भी मैंने इसी में डाल के रखा है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, देखें कितने आसानी से आराम से टूट रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है, अपने मसाले में शामिल करने के लिए। अच्छा, ये देखें, ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया, अदरक लहसुन दही और हमारे बादाम। ठीक है, अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके शामिल करेंगे अपने मसाले के अंदर इसको। देखिए हमने सारा ये डाल दिया इसके अंदर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रीम है, ये 1 कप है, मैं इसमें थोड़ी शामिल करती हूँ इस टाइम पे। ये देखिए हमारा शाही मसाला बन के रेडी हो गया। वाह 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 जी वाह वाह, कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। जब मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 5 मिनट से बना रही हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी क्रीमी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। देखें कितनी अच्छी है। हमारा सारा मसाला, हमारे ऑनियन सब डिसअपियर हो गया है, इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। हमने अपने कोफ्ते ऐड कर दिए, अब हम इसको कोफ्तों के साथ पकने देते हैं। कितने कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हो रहा है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इस पर लिड कवर करूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। देखिए हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे। समझ लें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, ठीक है, ये इसको बहुत ही अच्छा और यमी टेस्ट देगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है, हम थोड़ा केवड़ा वाटर डालते हैं इसमें। 1 टेबलस्पून डाल देते हैं। इलायची का पाउडर है, मैंने 2 तकरीबन 6 इलायची इस तरीके से उसको चॉप कर लिया। थोड़ा सा बचा लेते हैं ऊपर से डालने के लिए। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसको केवड़े को मिलाते हैं और इलायची को और बस सर्व करते हैं। ये देखें मैंने अपना इसमें बॉल में निकाल दिया इसको। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास कुछ इलायची का पाउडर जो हमने बचाया था, मैंने इस तरीके से इलायची थोड़ी सी क्रश की हुई है, हम थोड़ी इस पर डालेंगे। शाही बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा चले। और यहाँ पे हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। देखें आपको हम करीब से दिखा रहे हैं हमारे शाही मलाई कोफ्ता, कितना शानदार बना है। इसका मसाला देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त बना है। हमारा शाही मलाई कोफ्ता बनके रेडी हो गया है। प्लीज़ इस डिश को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अब चलती हूँ, दोबारा लौट के आऊँगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।